Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about errors, types of errors, sources of errors, and how can we minimize errors. Before starting, we should know what errors actually are. जब भी हम error word सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि कोई गलती, मतलब जब भी हम analysis का कोई भी practical करते हैं और हमें जो भी अपना resulted value मिलती है वो value हमारी जो एक्चुअल में वैल्यू होना चाहिए उससे कितनी ज़्यादा डेविएट कर रही है उसको हम बोलेंगे एरर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, मतलब द वैल्यू दैट वी गॉट आफ्टर द कैलकुलेशन, एंड द ट्रू वैल्यू, मतलब द वैल्यू दैट शुड बी एक्चुअली, इज नोन एज एन एरर। एरर्स डिनोट द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारा जो आंसर वो कितना अनसर्टेन है, कितना डेविएटेबल है, ये शो करेगा एरर। Now let's see what are the sources of error. मतलब हमें error कहाँ कहाँ से occur हो जाएंगे हमारी reaction में। Errors may arise from various sources. These sources can be a human source. The analyst performing the analysis has great impact on error in results. An inexperienced person doing analysis has more chances to commit errors in comparison to the experienced person. मतलब अगर एक अनएक्सपीरियंस पर्सन है, अनट्रेन पर्सन है, वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है और एक ट्रेन पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन परफॉर्म कर रहा है, तो जो अनएक्सपीरियंस्ड होगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो कोई भी गलती करे। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल अपैरेटस और ग्लासवेयर्स। द लो क्वालिटी और अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर्स में लीड टू मोर चांसेस ऑफ एरर्स। अगर हमारा जो भी ग्लासवेयर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बुरी क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है, या फिर हमने उनको कैलिब्रेट नहीं करा है, अनकैलिब्रेटेड है वो, तो हमारे जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे ऑफ एरर्स। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल एरर्स। द एरर्स दैट अकर ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दैट आर अनफेवरेबल फॉर द रिएक्शन आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और द एक्सपेरिमेंटल एरर्स। इसमें क्या होगा, सपोज हमारी जो रिएक्शन है उसमें ह्यूमिडिटी की या फिर मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, पर हमारा मौसम ऐसा है कि हमारे रिएक्शन में मॉइस्चर एंटर हो गया, तो क्या हुआ, हमारा जो आंसर होगा वो डेविएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द रॉ मटेरियल्स, मतलब जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जो हमें यूज़ करना है फॉर फर्दर रिएक्शन में ऑल्सो बी द रीज़न फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द एरर। नेक्स्ट इज़ द प्रोसीजर विच मीन्स द मेथड दैट वी फॉलो फॉर द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ एरर, मतलब कितने टाइप के एरर अकर हो सकते हैं इन अ रिएक्शन। मेजरली जो हमारे एरर्स हैं हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज़ द सिस्टमिक एरर्स एंड नेक्स्ट इज़ द रैंडम एरर। जो हमारे सिस्टमिक एरर्स हैं, या तो देखिए जब भी कोई भी एक एरर अकर होगा या तो वो ऐसा होगा कि हम उसे पहचान लेंगे और हम उसको एलिमिनेट कर देंगे उसका सोर्स पता करके, या फिर एक ऐसा एरर होंगे जिसके बारे में हम पता ही नहीं लगा सकते। हमें पता है कि हमारे आंसर में कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर है, पर हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि वो एक्चुअली आया कहाँ से है। तो ऐसे जो एरर्स होंगे उनको हम बोलेंगे रैंडम एरर, और वो एरर्स जिसको हम एनालाइज कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे और फिर एलिमिनेट कर देंगे, उनको हम बोलेंगे सिस्टमिक एरर्स। सिस्टमिक एरर्स को हमने फर्दर क्लासीफाइड किया है इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। एक्चुअली दे मे बी द पर्सनल एरर्स, द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, द रिएजेंट एरर्स, मेथड एरर, एडिटिव एरर एंड द प्रोपोर्शनल एरर, ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट एरर। नाउ लेट्स सी वॉट इज़ अ सिस्टमिक एरर। द डिटर्मिनेट एरर्स आर नोन एज सिस्टमिक एरर्स। डिटर्मिनेट एरर मतलब वो एरर जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको पहचान सकते हैं और फिर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द एरर हुज सोर्स एंड मैग्नीट्यूड इज़ नोन, मतलब ये जो एरर होंगे इनका बारे में हमें पता होगा कि कहाँ से आए हैं और कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, मतलब कितना नंबर है उनका। दे कैन बी अवॉइडेड एंड मिनिमाइज्ड, मतलब हम एक कोई भी प्रोसीजर फॉलो करके उनको अवॉइड या फिर कम कर सकते हैं। दे आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू पर्सनल एरर, फर्स्ट टाइप के हैं पर्सनल एरर दैट अकर ड्यू टू द इंडिविजुअल, मतलब जो भी इंसान प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से आएंगे। नेक्स्ट इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब द एरर दैट अकर ड्यू टू द अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारा ग्लासवेयर बुरी क्वालिटी का है या फिर अनकैलिब्रेटेड है, तो वो एरर्स होंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। रिएजेंट एरर्स, द एरर्स अकरिंग ड्यू टू द इम्प्योर रिएजेंट और द रॉ मटेरियल, अब जो भी रिएक्शन कंडक्ट हो रही है जिसके थ्रू, वो होते हैं हमारे रिएजेंट एरर, अगर वही गड़बड़ है। नेक्स्ट इज़ द मेथड एरर, मतलब जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई या फिर उसमें कुछ गलती कर दी हमने, तो उससे जो एरर अकर होंगे वो होंगे हमारे मेथड एरर्स। नेक्स्ट वी हैव द एडिटिव एरर्स। दीज आर द एरर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि हम कितना सब्सटेंस ले रहे हैं फॉर द रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं होगा।
इसमें हमारा एग्जांपल जो इंक्लूडेड है वो है वेट लॉस इन वेट ऑफ क्रूसिबल. अगर हमारी रिएक्शन क्रूसिबल में कंडक्ट हो रही है तो अगर उसका वेट रिड्यूस हो रहा है तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ एडिटिव एरर. नेक्स्ट इज़ अ प्रोपोर्शनल एरर. प्रोपोर्शनल से हम क्या समझते हैं? प्रोपोर्शनल बेसिकली मीन्स अगर एक चीज़ राइज हो रही है तो उसके साथ वाली चीज़ भी राइज होगी. अगर एक चीज़ कम हो रही है तो फिर जो चीज़ उसके प्रोपोर्शनल है वो उससे कम होगी. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपोर्शनल एरर डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सैम्पल. ऑब्वियसली अगर जो भी हमारा सैम्पल का अमाउंट है उस पर बेस करेगा ये एरर. इट अराइज ड्यू टू द मटीरियल्स दैट इंटरफेयर द एनालिटिकल प्रोसीजर. ये क्यों होता है? ये होता है कि जो हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मतलब जो हम मेथड कर रहे हैं उसमें जो हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, तब हमें मिलेगा प्रोपोर्शनल एरर. कॉन्स्टेंट एरर. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड अमाउंट बट बिकम लेस सिग्निफिकेंट एज मैग्नीट्यूड इंक्रीज. ये ऐसा एरर है जो एक्चुअल में तो मैग्नीट्यूड जो भी हमने मेजर किया है उससे इंडिपेंडेंट है, पर मतलब कम ज़रूर ही है, पर इट बिकम लेस सिग्निफिकेंट एज मैग्नीट्यूड इंक्रीज. पर जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ सैम्पल का, उतना क्या होगा हमारा जो ये एरर है ये रिड्यूस हो जाएगा. ये जो लास्ट के तीन एरर्स हैं या दो एरर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं तो हम कोई भी अगर हम तीन या चार अगर हम एरर्स लर्न कर लें तो इट विल बी सफिशियंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट आर द रैंडम एरर्स, मतलब वो एरर्स जिन्हें हम नहीं पहचान पा रहे हैं और उन्हें एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं. इनडिटर्मिनेट, मतलब जो डिटरमाइन नहीं हो रहा है एरर्स आर नोन एज दी रैंडम एरर्स. द कॉज ऑफ रैंडम एरर इज एक्चुअली नॉट नोन, मतलब इनका सोर्स या कॉज हमें पता नहीं चल पाएगी एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, और इसीलिए ये एलिमिनेट भी नहीं हो पाएंगे. बाय केयरफुली वर्किंग और टेकिंग प्रोसीजर, चाहे हम कितना भी केयरफुली प्रोसीजर दोबारा कर लें पर अगर ये एरर आ रहे हैं तो हम इनको अपने आप नहीं निकाल सकते. नाउ लेट सी कि हम ये जो ऊपर हमने मेथड्स पढ़े हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं ये हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं. अब ये जो मेथड्स हैं ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अपरेटस एंड अप्लाइंग करेक्शन. सबसे पहले हम कैलिब्रेशन है जो हमारा मेथड सबसे प्रायोरिटी में है टू रिड्यूस द एरर, वो है हमारा कैलिब्रेशन. नेक्स्ट इज द रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन हम करेंगे. उसमें हम क्या करते हैं, वी कैन रिड्यूस द एरर बाय रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन पैरेलल टू द सैम्पल बाय टेकिंग स्टैंडर्ड अंडर द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं वैसे ही हम सेम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेकर उसको दोबारा परफॉर्म करें और फिर आपस में उन्हें कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा एरर हमारा. नेक्स्ट वी हैव बाय रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन. इट इज़ द डिटर्मिनेशन अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बट द सैम्पल इज एलिमिनेटेड टू नो द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. इसमें हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल दो तीन बार कंडक्ट करते हैं, फिर जो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं उनसे हम मीन निकाल कर एनालाइज करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है. ये डेविएट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़. अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. By comparing results of independent methods, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ही प्रोसीजर दो डिफरेंट मेथड से फॉलो करेंगे, मतलब एक ही रिएक्शन दो डिफरेंट प्रोसीजर से कंडक्ट करवाएंगे और फिर उनका जो रिजल्ट होगा उसको हम आपस में कंपेयर करेंगे. By using standard addition, स्टैंडर्ड एडिशन में हम क्या करेंगे, इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सैम्पल इज एडेड एंड सैम्पल इज एनालाइज फॉर टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट. इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ हम स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट लेंगे और फिर हम उसमें थोड़ा थोड़ा और स्टैंडर्ड अमाउंट उसका ऐड करेंगे और फिर जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगे उनका डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट मेथड्स फॉर मिनिमाइजिंग एरर, मतलब हमारी जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एरर रिड्यूस करने के मिनिमाइज करने के मेथड्स. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग एक्यूरेसी प्रेसीजन एंड ऑल्सो द फार्माकोपिया.